तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखते हैं। इसमें बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि वी स्टैंड फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड। अगर वी वेलोसिटी ऑफ साउंड है तो सबसे पहले ई इलास्टिसिटी है, डी डेंसिटी है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू निकालने का यहाँ लॉजिक ये है कि सभी का डायमेंशन रखो और सॉल्व करो, फिर लास्ट में एक्स दिखने लगेगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मैं सभी का सबसे पहले डायमेंशन रखूँगा। तो वी वेलोसिटी ऑफ साउंड है, इसका डायमेंशन तो होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम LT-1। डी जो है डेंसिटी है, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी होता है। तो डेंसिटी डी, डी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, तो मास एम और वॉल्यूम L³। तो डेंसिटी का बनेगा ML³-3। ई इलास्टिसिटी है, तो ई इलास्टिसिटी है, तो ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। आयो की आप पढ़े होंगे, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो ई इज इक्वल टू स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया होता है, और स्ट्रेन जो है वो डायमेंशनल लेस होता है। तो एल ने एल को काट देगा, एल का डायमेंशन एस। फोर्स का हो जाएगा ML T-2, एरिया का हो जाएगा एल का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ML²-1 T²-2, द डायमेंशन ऑफ इलास्टिसिटी। अगर मैं इन सभी का डायमेंशन रखता हूँ तो भी का रखूँ तो ये आ जाएगा LT-1 इज इक्वल टू ब्रेकेट। अब मैं दूसरे का डी और ई का रखूँगा, तो अगर मैं यहाँ डी और ई का रखता हूँ तो डी का कितना है, तो डी का देखो डी डेंसिटी है, ये आ जाएगा ML³-3। डिवाइड कर दूँ किससे, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी है ML²-1 T²-2, प्रेशर के बराबर है भाई इसका डायमेंशन, और सबका पावर यहाँ एक्स है। तो देख रहे हो यहाँ एम ने एम को ख़त्म कर दिया, और यहाँ पे तुम इसको सॉल्व करोगे तो LT-1 इधर बनेगा, और इधर बनेगा तुम देखोगे तो L²-2, और एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 2x होगा, और T²² होगा तो एल ये मल्टीप्लाई हुआ एक्स से तो 2x हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कंपेयर करो L²-2x इज इक्वल टू 1 के बराबर है, या 2xT²-1 के बराबर है। तो कुल मिला के एक्स की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू -1/2, दैट इज इसमें से डी ऑप्शन सही है बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।